अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माई चैनल। खुदा और मोहब्बत सीज़न 3 ने 2021 में बहुत धूम मचाई थी। इकरा अजीज़ और फ़ेरोज़ खान ने अपनी अच्छी अदाकारी से मदाहों को बेहद मुतासिर किया। इस ड्रामा सीरियल का सीज़न 1 और सीज़न 2 भी काफ़ी सुपरहिट हुआ था। सीज़न 3 में इकरा अजीज़ और फ़ेरोज़ खान को एक साथ कास्ट किया गया था। इन दोनों ने सीज़न 3 में बहुत ज़्यादा अच्छी अदाकारी की, जिसकी वजह से खुदा और मोहब्बत सीज़न 3 बहुत ज़्यादा सुपर हिट हुआ, तमाम ड्रामा सीरियल के रिकॉर्ड तोड़ दिए। इस ड्रामा के डायरेक्टर अब्दुल्ला का अदवानी हैं। खुदा और मोहब्बत ड्रामा के बाद इनका एक और सुपर हिट ड्रामा तेरे बिन आया, जिसमें यूमना और भाज को कास्ट किया। आप सब तेरे बिन की कामयाबी से वाकिफ हैं। यूमना और भाज बेहद शोहरत पा चुके हैं। तेरे बिन के इख्तिताम के बाद जहां अब्दुल्ला कादवानी ने तेरे बिन सीज़न 2 को अनाउंस किया है, वहीं खुदा और मोहब्बत सीज़न 4 की अनाउंसमेंट भी हो चुकी है। ये दोनों ब्लॉकबस्टर ड्रामा सीरियल एक दफ़ा फिर टीवी स्क्रीन पे दिखाए जाएंगे। इस ड्रामे के डायरेक्टर अब्दुल्ला कादवानी का फैन से सवाल है कि वो इन दोनों ड्रामा सीरियल्स में से कौन सा ड्रामा सीरियल पहले देखना चाहेंगे। हो सकता है कि तेरे बिन के साथ साथ खुदा और मोहब्बत में इकरा और फ़ेरोज़ की जगह यूमना और भाज को एक साथ कास्ट किया जाए। आप क्या कहना चाहेंगे, अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। क्या आप तेरे बिन के साथ साथ खुदा और मोहब्बत का सीज़न 4 देखना चाहेंगे? सीज़न 4 में आप इकरा और फ़ेरोज़ को देखना चाहेंगे या यूमना और भाज को देखना चाहेंगे? कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि तमाम अपडेट्स आप तक पहुँच सकें। आऊँगी नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।